मैंने इस ब्लॉग में दिल्ली से मैकडॉलगंज के बारे में पूरी डिटेल में बताया हूँ, और प्लस में फ्रेंड के साथ कैसे इंजॉय किया है और क्या क्या खाया हमने, क्या क्या पिया, ये सब मौज मस्ती मैंने इस ब्लॉग में बताया है। और बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं यहाँ पे क्या क्या घूमा हूँ, क्या ट्रैवल किया हूँ, क्या देखा हूँ, वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। बाकी आप इसमें वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैंने अपने दोस्तों के साथ कैसे मौज मस्ती की। बाकी हम तो पहुँच चुके हैं और बाकी आप वीडियो देख सकते हो, पूरी डिटेल में मैंने बताया मैं कहाँ आया हूँ और कैसे आया हूँ, तो वीडियो जाके पूरी देखना। अब प्लीज़ स्किप कर करके मत देखना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा कि दोस्तों के साथ कैसे इंजॉय करें और कहाँ जाते टाइम कैसे मज़े करते हैं और मैंने क्या क्या किया है, ये सारी डिटेल में बताया हूँ। तो प्लीज़ जाके जरूर देखना, पूरी वीडियो देखो, मज़ा आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग हमारा कुछ ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। हम तीन दोस्त मिलके निकले हैं, हम धर्मशाला जा रहे हैं और वहाँ पे हम जाके क्या करेंगे भाई? देखो, हम बेसिकली अभी जो घर से हम निकले हैं, हमें ये नहीं पता था कि हम जाना कहाँ है हमें, हम बस निकल चुके हैं कि हमें जाना है। तो हम पहले तो 2 घंटे तक दिल्ली NCR के हम चक्कर लगाते रहे, गाजियाबाद, नोएडा, वो नहीं, अभी हम जा कहाँ रहे हैं। और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं धर्मशाला, और धर्मशाला के बाद कहाँ मूड करेगा पता नहीं, लेकिन करेंगे क्या अरमान भाई वहाँ पे। मेरा बर्थडे है तो वहीं पे हम केक काटेंगे और वहीं पे मौज काटेंगे, पड़ेगा मेरी जान तो वहीं काटेंगे हम केक। तो आप ये सब देख सकते हो, ये पहला टोल है। अब मैंने यहीं से ब्लॉग का स्टार्टिंग किया है और वहीं पे चलते हैं और बाकी गाड़ी में ये बात करते हैं, मौज काटते हैं और रास्ता भी आपको दिखाऊंगा कैसे धर्मशाला जाना है। ये मूर्थल वाला रास्ता है, मूर्थल से थोड़ा सा आगे जाते ही पहला टोल पड़ता है। बाकी चलते हैं, गाड़ी में मिलते हैं अपनी ये स्विफ्ट से। तीन दोस्त निकल गए, कुछ दोगले दोस्त हैं, उनको तो टाटा बाय बाय अलविदा कर दिया। चलो मिलते हैं गाड़ी में। ये देख सकते हो, हम खुद ही कम से कम 15-20 पेट्रोल पंप जाने के बाद यहाँ पे हमें हवा मिली है और हम खुद ही हवा डाल रहे हैं। नाइट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम खुद डाल लेंगे, तब जाके हमें इन्होंने परमिशन दे कि चलो ठीक है आप खुद कर लो ट्राई। तब खुद से 4 पहिया में हवा बहुत ज़्यादा कम थी, तो अमित ये हवा डाल रहा है। और अरमान तुम कर क्या रहे हो भाई? मीटर देख रहा हूँ। अच्छा, मीटर देख रहे हो, नाइट्रोजन डाले, नाइट्रोजन। ओके ओके ओके, हो गए। हमने यहाँ पे पेट्रोल करवा ली टंकी फुल और एयर वगैरह प्रेशर जो भी था चारों में डलवा लिया। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा। तो अब हम सब चल रहे हैं ढाबे पे खाना खाने के लिए। अमित तेरे को इतनी जल्दी है यार, क्या हो गया? नींद आ रही है, सोऊंगा। अच्छा, अब तुम्हें मोटा भाई? तो हम चल रहे हैं खाना, अब यहाँ से निकलते हैं, अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। ढाबे पे रुके हैं, ये रहा अपना ढाबा, सागर ढाबा। तो हम ढाबा पे आ चुके हैं, ये कुछ 60 रुपए का मिक्स वेज पराठा है, 3 पराठे हमने मंगवाया है, और पनीर पराठा मंगवाया है, वो 80 रुपए का है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक हम ये खाते हैं। तो मिक्स पराठा खाते हैं, देखते हैं कैसा है। अरमान भाई खाओ यार। अरमान भाई पराठे का फीडबैक दो ना, कैसा है? ऑसम। क्या बिल्कुल करारे पराठे? अच्छा, अमूल बटर के साथ बिल्कुल। मैं भी खा रहा हूँ, बाकी तू बार बार बाथरूम क्यों जा रहा है? अच्छा, तो ढाबे पे से हम सब निकल चुके हैं खा के, और कुछ कुरकुरे वगैरह ले लिया है और टैंग वगैरह। सुबह के बज रहे हैं 5:50 और ये कुछ रोड का व्यू है जो बहुत मस्त और बढ़िया लगा मुझे, इसी कारण सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लूं। ये देख सकते हो दोनों साइड रोड के साइड कितनी भरी हरियाली है, मजा आ रहा है वैसे गाड़ी ड्राइव करके भी। ये हम चंडीगढ़ से थोड़ा सा पीछे हैं और यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी नदी है, मन तो कर रहा है यहीं पे नहा लें, बिल्कुल साफ पानी है। और यहाँ से मैकलॉडगंज का मेन रास्ता स्टार्ट होता है जो सिंगल रोड है, और ये देखो यहाँ की कुछ हरियाली जो औसम है, और ये रोड पे घर बने हुए हैं और चारों तरफ इतनी मस्त हरियाली है, बादल देख सकते हो कितने मजेदार हैं, रोड इतना प्यारा है, मतलब अब हमें फील हो रहा है कि अब मजा आ रहा है। जब से तो सुबह से ऐसा परेशान हो रहा है, आप देख सकते हो 10:30 बजे, कल रात को हम निकले थे 10:30 बजे, इतना टाइम लग गया। और ये देखो क्या मस्त नज़ारा है यार, वो सामने देखो, अब घर देखो कैसा पहाड़ पे है, और ये मस्त हरियाली, मज़ा आ जाएगा।
और यहाँ पे हम पूरे 3 दिन बिताने वाले हैं और 3 दिन में जितना घूम सकते हैं सब जगह जाएंगे घूमेंगे और अकेले तो है नहीं जो बोर होऊंगा। कमीने दोस्त हैं जिनके साथ मैं आया पड़ा हूँ, पीछे हमारा टूटा बेटा पड़ा जो गंदे फैला रहा बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। ये भैंसा है, ये देखो क्या कर रहा है, 5 दिन से नहाया नहीं है, ये नहाया नहीं है तो कीचड़ में जाना जरूरी है। 30-40 किलोमीटर चलाने के बाद पहाड़ों पे अब मिला है हमें जलेबी, अब हम सब लेंगे जलेबी, थोड़ा सा जलेबी वगैरह खाएंगे। क्या लेगा, जलेबी लेगा, पकौड़े लेगा, आलू भर के पकौड़े? ओए क्या ले रहा है, जलेबी ले रहा है तो पूछ ले। जलेबी ऑर्डर किया था, ये देखो जलेबी आ गया। और यहाँ पे जलेबी खाने का 2 फायदे हो गए, एक तो हमारा फोन चार्ज हो गया और वो उसने भी एक पूरा एक्सटेंशन बोर्ड लिखा है, उसने भी 2-3 फोन चार्ज में लगा दिया। तो पहले तो जलेबी कुछ मीठा खाते हैं, फिर खाना वाना खाएंगे और खावा के मिलते हैं फिर गाड़ी में। फाइनली 14 घंटा गाड़ी चलाने के बाद दिल्ली से हम मेटकलौड़गंज पहुंचे हैं। और ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये देखो ये मेटकलौड़गंज है और जस्ट इसके ऊपर ये जो यहाँ से जाता है ये रास्ता देख रहे हो ऊपर जा रहा है, ये नड्डी की तरफ जा रहा है। और भैया यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा पे, ये लोकल के बंदे हैं, हमने इनसे बात किया तो ये कह रहे हैं इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप मेटकलौड़गंज ना जाके नड्डी जाओ, इससे भी ऊपर है, वहाँ पे ठंडक भी ज़्यादा मिलेगी, रूम भी सस्ते में मिल जाएगा। और आप सबको दिखाता हूँ, ये देखिए जाम कैसा लगा हुआ है, वो वाइट कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पे जाम लग रखा है। और मैं इतना ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ, आप सबको दिखाता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ, पूरी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा, बट ये देख थोड़ा सा जब आगे की साइड जाऊँगा नड्डी की साइड तो आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही हम ऊपर आ चुके हैं। मतलब आधे टाइम तो ऐसा लग रहा था कहाँ जा रहा हूँ, ज़्यादा डर लग रहा था गाड़ी चलाने में, बीच बीच में रोड टूटे फूटे भी मिले हमें। और जब हम वापस जाएंगे तो नाइट में नहीं ट्रैवल करूँगा, चाहे रुकना पड़ जाए रुकूँगा, बट जब यहाँ से वापस जाऊँगा तो डे में ही जाऊँगा। आप सबको भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर जो आप यहाँ पर मेटकलौड़गंज आते हो तो डे में ही ट्रैवल करना इस जगह पर, नाइट में मत करना, बीच में रोड टूटे फूटे मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा टूटे फूटे मिलते हैं। जहाँ पे हमने होटल लिया है वो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है बालकनी से, और ये देख सकते हो बालकनी, यहाँ से नज़ारा मस्त है। और हमारा जो रूम है वो ये है, इसी में आज हम यहीं पे रुकेंगे, ये कुछ रूम है देख सकते हो, ये रूम मस्त, वही चेयर वेयर हमने सब कुछ यहाँ पे रख दिया, ये इसका बाथरूम है, 1500 रुपये का पड़ा है ये रूम। और मैं करता हूँ वीडियो का यहीं पे एंड, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगली वीडियो में देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, नेक्स्ट डे अपलोड करूँगा। ये वीडियो तो अभी बनाया हूँ, जस्ट आया हूँ तो रूम में बैठ के एडिटिंग मार के इसको अपलोड कर दूंगा, बाकी अगली वीडियो कल जब बनाऊँगा तो हो सकता है 14 या 15 अगस्त को अपलोड करूँ। बाकी बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।